दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, नीति आयोग की बैठक पर क्या दी नसीहत। पहले नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने से इनकार, अब केंद्र सरकार की तरफ से नीति बनाए जाने के लिए रखी गई बैठक में शामिल होने का बहिष्कार। ये लेटर इस बात की गवाह है। ये लेटर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा है। इस लेटर में आरोप है, इस लेटर में नाराजगी है, इस लेटर में गुस्सा भी है। इस लेटर के जरिए केंद्र सरकार को मनमानी करने वाला बताया गया है, पर यह माजरा क्या है? दरअसल 27 मई को केंद्र सरकार की तरफ से नीति आयोग की मीटिंग रखी गई है। जाहिर है इसमें देश के सभी सीएम को बुलाया जाता है ताकि देश के लिए बन रही नीतियों पर वो अपना भी मत रख सकें। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल नीति आयोग की इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। पीएम मोदी को लिखे इस लेटर में केजरीवाल ने इस मीटिंग का बहिष्कार करने की वजह बताई है, जिसमें दिल्ली सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में अध्यादेश की चर्चा तो की ही गई है, साथ ही कई बातें लिखी गई हैं। अरविंद केजरीवाल के दो पन्नों के इस लेटर की शुरुआत में जनतंत्र पर हमले जैसे शब्द लिखे गए हैं। केजरीवाल ने राज्यों में गैर भाजपाई सरकारों को तोड़ने का आरोप लगाया है, साथ ही विपक्षी पार्टियों के विधायकों को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर न केवल डराने बल्कि दोनों एजेंसियों का इस्तेमाल कर सरकारें गिराने का भी आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, अध्यादेश के मामले में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पलट देने के बारे में भी लिखा है। केजरीवाल का आरोप है कि कई तरह के उपाय लगाकर दिल्ली सरकार को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये सवाल पूछा है कि क्या यही सहकारी संघवाद है। केजरीवाल ने लिखा है कि जब खुलेआम संविधान और जनतंत्र की अवहेलना हो रही है, ऐसे में नीति आयोग की बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। केजरीवाल ने नीति आयोग की इस बैठक में नहीं जाने के फैसले को दिल्ली की जनता के फैसले का हवाला दिया है, क्योंकि इस लेटर में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि लोगों का कहना है हमें कल की मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। अपने लेटर के अंत में अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री को पिता और बड़े भाई के समान बताते हुए सभी पार्टियों को साथ लेकर चलने का सुझाव भी दिया है। साथ ही केजरीवाल ने पीएम मोदी से यह आग्रह किया है कि जिन राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं उन्हें काम करने दिया जाए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करने की भी विनती की गई है। पीएम मोदी को लिखे गए लेटर के जरिए अरविंद केजरीवाल ने काफी कुछ कहा है। अब पीएम मोदी उनकी इस लेटर का क्या जवाब देते हैं, जवाब देते भी हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।